हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट हर एग्जाम का फेवरेट होता है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो। सीडीएस में तो बहुत ज़्यादा ही आता है, ठीक है। मैं सीडीएस लेवल का भी करवाऊंगी, लेकिन अभी मैंने क्या डिसाइड किया, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर स्टेनो एग्जाम्स, सीपीओ एग्जाम्स और सीजीएल प्री के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ना, आज प्री वाला ही है। तो आप बोलोगे मैम हमें तो नहीं लग रहा है कि ये प्री वाला है क्योंकि इतना लेंदी है। तो देखो अभी सेंटेंस अरेंजमेंट ना प्री और मेंस कुछ भी नहीं है, अब सब एग्जाम में ना सब तरीके से आता है। कभी कभी इस बार अगर आपने सीएचएसएल का पेपर दिया होगा तो इस बार सीएचएसएल में बहुत खतरनाक सेंटेंस अरेंजमेंट आया था। बच्चों को लग रहा था कि मैम ये सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं लग रहा है, ये तो क्लोस्टेस्ट टाइप से लग रहा है, लेंदी लेंदी आया था। परेशान नहीं होना है, एक बार आपको ट्रिक्स पता चल गया कि कैसे जल्दी बनाया जाता है ना, आपका काम ईजी हो जाएगा। इस बार सीजीएल के प्री में बहुत कम आया था, 5-7 आया था। सीजीएल के प्री में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं आया था, इन्होंने सारा बदला सीएचएसएल में ले लिया था, ठीक है। बट जैसे भी पूछे, छोटा पूछे, लेंदी पूछे, मेन क्या है, आपको अगर टेक्निक पता है ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी देखना है कि ये जो अरेंजमेंट है ना कैसे जल्दी बनाना है। कभी कभी आप एक अरेंजमेंट 10-15 मिनट में बना रहे हो तो देन यू आर अ लूज़र। ओके, तो आज हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट होने वाला है। 6 सेंटेंस अरेंजमेंट मैं करवाऊंगी, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए उसको बता देती हूँ कि सुबह 11:30 बजे इस चैनल पे मैं लाइव आती हूँ, ठीक है, ग्रामर और वोकैब का बैच लेके। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को पूरे समय लाइव नहीं रखना है, हर दिन नहीं, मंडे वेंसडे और फ्राइडे को शाम में, इनफैक्ट रात में 9 बजे आपके पास रिकॉर्डेड सेशन जाएगा, ठीक है। तो उसको देखना, सीखना, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, आपने कैसे कैसे जोड़ा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आया, आज मैं आपको टीचर बन के नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं भी स्टूडेंट बन के करूंगी इसको। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि बैठ बैठ के पूरा इसमें राम कहानी इसमें बनाने की ज़रूरत है। अब मैं अपने ऑप्शंस को छांटूंगी, जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया कोशिश करो कि अपने ऑप्शंस को छांटो। दो ऑप्शन जब छांट लेते हो तो आपका आपके पास बचेगा दो ऑप्शन, उसके बाद आप आराम से दो ऑप्शन में तो आराम से चूज कर लोगे। फंसते हो आप लोग दो ऑप्शन में ही, दो तो आराम से कर लेते हो। अब मेरे को देखो, मेरे पास आ गया 10 वाला सेंटेंस कभी पहला नहीं हो सकता है। 10 वाला सेंटेंस सेकेंड थर्ड हो सकता है बट पहला नहीं होता। 10 मतलब इस तरह, इस प्रकार, ऐसा होता है। तो ए वाला तो पहला होगा ही नहीं, तो मैंने ए वाला ऑप्शन को हटा दिया, ए वाला ऑप्शन हटा दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को एक और चीज़ दिख रहा है, एक चीज़ और दिख रहा है, द कंट्री का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी था। तो आपको लगेगा ना कि द कंट्री मतलब कोई खास कंट्री होगा ना जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया होगा। कौन से कंट्री की बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है ना, द कंट्री। तो इसका मतलब बी के बाद ही डी होगा। ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ ना सुनो, बी के बाद डी होगा क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जिक्र किया, पहले कोई कंट्री का नाम बता दिया है और फिर बोला है द कंट्री। द कंट्री कौन? इंडिया वाला। तो बी के बाद डी होगा, ठीक है, बी के बाद डी, बट यहाँ डी के बाद बी, ठीक है, और यहाँ बी, यहाँ और यहाँ, यहाँ बी, बी के बाद डी होगा, यहाँ भी बी के बाद डी और यहाँ भी बी के बाद डी। अब देख लो आपका सी से होगा, ये दो ऑप्शन तो मैंने छाट दिया, अब यहाँ भी बी के बाद डी ही होगा, यहाँ भी बी के बाद डी और यहाँ भी बी के बाद डी। अब देख लेना इसमें अब करना क्या है। अब मेरे को क्या दिख रहा है, अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे डी के बाद सी, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डी के बाद सी और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सी के बाद डी। अब मैं ध्यान दूंगी कि इन दोनों में कौन सा पहले होगा, ठीक है, इन दोनों में कौन सा पहले होगा। तो मैं क्या बोलूँगी ना, देखो पहले तो सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम। इंडिया अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए जाना जाता है। तो पहले बताओगे ना, इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा था, इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा था। उसके बाद आज तो इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पहले तो आप पुराने वाले समय की बात करोगे ना आप, पहले तो इंडिया के पास एक ही यूनिवर्सिटी था, पहला यूनिवर्सिटी
नालंदा था, बट अब हमारे इंडिया के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है. इसका मतलब है डी के बाद सी होगा, ये आंसर. सी के बाद डी नहीं होगा, ओके, डी के बाद सी होगा. चलो अब मैं इसको अच्छे से लिंक कर देती हूँ. देखो यहाँ पे क्या बोला है, बी में बोला है प्राचीन काल से इंडिया जाना जाता है अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए. इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था? नालंदा. वो तो पहला था जो 1100 साल पहले था, लेकिन आज हमारे इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके, और बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट. और इसी वजह से बच्चों को तो ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट है, बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है. लास्ट वाला ये, दिस इज द आंसर. दिस, अब आ जाओ सेकेंड पे. अब इसको देख के ना, इसको देख के बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि ना बहुत छोटा छोटा सेंटेंस लेके आऊंगी, आपको मज़ा नहीं आएगा. लेंदी सेंटेंस कर लोगे ये सारा. देखो ये इस बार के CHSL में आया था, ये जो मैंने अरेंजमेंट लिया है कुछ CHSL का ले लिया है और कुछ पिछले साल के प्री का लिया है. इस साल के प्री में ज़्यादा नहीं आया था, 5-7. हाँ अब देखो, पहले अब मेरे पास ये सेंटेंस आ गया, ओके, ये सेंटेंस आ गया. हाँ मेरे पास ये सेंटेंस आ गया, ओलिवर ट्विस्ट इज बॉर्न इन अ वर्क हाउस इन इतना. यहाँ पे देखो, हिज मदर मतलब उसकी माँ. उसकी माँ मतलब किसकी माँ? ओलिवर की माँ होगी ना, पहले उसका उसका किसी का जिक्र होगा, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा. खैर ए हमारे ऑप्शन में है भी नहीं, ए हमारे ऑप्शन में नहीं है. आफ्टर द अदर बॉयज बुली, अब देखो यहाँ पे है ओलिवर और यहाँ पे है ओलिवर ट्विस्ट. पहले आप किसी व्यक्ति का पूरा नाम लोगे, तब तो फिर उसका शॉर्ट नेम लोगे ना. पहले हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखते हैं, फिर जाके हम शॉर्ट नेम लिखेंगे. तो यहाँ ओलिवर लिखा है, तो पहले तो इसका पूरा नाम लोगे ना. इसका पूरा नाम ओलिवर ट्विस्ट था, इसका मतलब है कि बी भी नहीं होगा, बी नहीं होगा. अब हमारा तीन ऑप्शन सी से है. इन्होंने सी में बोला है कि ओलिवर ट्विस्ट इज बॉर्न इन अ वर्क हाउस इन 1830s इंग्लैंड. इसका इनका जन्म 1830s में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में. अब आपके दिमाग में, अरे मैम सी ही है, सब तो सी से स्टार्ट हो रहा है, अब हम कैसे लिंक करें, अब हम कैसे लिंक करें कि क्या कैसे होगा. देखो थोड़ा सा सेंटेंस देखना होगा. ओलिवर स्पेंड्स द फर्स्ट 9 years ऑफ हिज लाइफ इन अ ऑर्फेन. ऑर्फेन ओलिवर ना अपने जन्म के बाद पहला 9 years अनाथालय में बिताता है. तो पहले तो बोलोगे, पहले तो सोचोगे ना कि आखिर ऐसा क्या होता है. ये देखो, पहले तो ओलिवर का जन्म होता है, फिर उनकी मदर के बारे में बोला है. उनकी मदर जिसको कोई भी नहीं जानता है इज फाउंड ऑन द स्ट्रीट एंड डाइज जस्ट आफ्टर ओलिवर्स बर्थ. पहले तो ओलिवर का जन्म होता है, फिर उसकी उनकी मदर जिनको कोई नहीं जानता है, तो ओलिवर के जन्म के बाद उनकी मदर का डेथ हो जाता है. तो पहले तो मदर का डेथ होगा, तब तो वो बच्चा को आप अनाथ बोलोगे ना. मदर का डेथ हुआ, ठीक है, फिर वो बच्चा को मदर के डेथ के वजह से अनाथालय में उसको जाना पड़ा. तो ए के बाद ही डी होगा, ए के बाद डी होगा. यहाँ डी के बाद ए, यहाँ डी के बाद ए, हाँ, और यहाँ भी डी के बाद ए. गलत है आंसर. ये आंसर ये है, पहले सी में बोला कि ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ, फिर उसके जन्म के बाद ना मदर की डेथ हो गई और बेचारे को अनाथालय में करना पड़ा. और अनाथालय में ना आफ्टर द अदर बॉयज उसको बुली करते थे, परेशान वगैरह करते थे. आंसर इज दिस. अब आ जाओ नेक्स्ट वाला. द डीपर यू इमर्स इट द ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन द वॉटर लेवल. दिस डिफरेंस, अब मैं क्या करूँगी, ये सब सेंटेंस में मेरे को क्या क्या दिख रहा है कि मैं उसको पहले छांट लूँ. दिस डिफरेंस मतलब यह अंतर मतलब कौन सा डिफरेंस, किसी डिफरेंस का होगा ना, किसी की बातचीत की गई है, तो बी तो हमारा होगा ही. और दूसरा मैं क्या देखूँगी, द डीपर यू इमर्स इट, जितना जितना भी इसको डीप डुबाओगे, इट इसको जितना भी इसको डीप दुबाओगे, द ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन वाटर लेवल. इसको मतलब किसको, कोई चीज वगैरह होगा ना, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा. और अब देख लो, डी से होगा या सी से होगा. इफ यू इमर्स द फनल इन टू, डी से भी हो सकता है और सी से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब रिलेट करो, अब रिलेट करके देखो मेरे को क्या दिख रहा है. मेरे को यहाँ पे बी के साथ सी दिख रहा है और मेरे को यहाँ पे सी के बाद बी दिख रहा है. तो यहाँ पे देखो, इफ़ यू इमर्स द फनल,
फनल, इमर्स, इमर्स मतलब डुबाना, जितना ज़्यादा आप उस फनल को बाल्टी में डुबाओगे और द डीपर यू इमर्स, जितना ज़्यादा, पहले तो यहाँ बोल रहा है इफ़ यू इमर्स उस फनल को, फनल तो जानते होंगे ना, फनल ऐसा बना होता है, वो फनल को जित डुबाओगे तो बकेट ऑफ वाटर में, तो यू विल सी द डिफरेंस। और फिर बोल रहे हैं द डीपर यू इमर्स, पहले तो डुबाओगे और जितना ज़्यादा गहरा डुबाओगे, इसका मतलब है कि सी के बाद ही ए होगा और यहाँ सी के बाद ही ए होगा। चलो यहाँ भी सी के बाद ए है, कोई डिफरेंस है नहीं, यहाँ भी सी के बाद ए है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब मुझे दूसरा डिफरेंस क्या दिख रहा है, हाँ मुझे दूसरा डिफरेंस क्या दिख रहा है कि डी के बाद बी, ठीक है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ पे मुझे डी के बाद बी दिख रहा है और यहाँ बी के बाद डी। तो इन्होंने देखो यहाँ क्या बोला है, व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर फिल्म विद अ पाम, जब अपने हथेली से आप प्रेशर डालोगे तो यू विल फाइंड अ डिफरेंस। ये तो आसान था, मैंने बेकार का इतना टाइम ले लिया। अ डिफरेंस है और द डिफरेंस है। अ डिफरेंस मतलब किस में, अ डिफरेंस मतलब वाटर लेवल का डिफरेंस, और फिर है द डिफरेंस, इसका मतलब है कि डी के बाद ही बी होगा। तो आंसर यही है, बेकार का मैंने आपका टाइम ले लिया, ओके बेकार का टाइम ले लिया। हाँ, अ डिफरेंस और दिस डिफरेंस, दिस डिफरेंस मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, डी के बाद बी होगा, बी के बाद डी नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, ऑप्शंस को छाटो, ऑप्शंस को अपना फटाफट छाट के हटा लेना है। ए ए ए, द करेंट कंसर्न इज डैट इट इज राइजिंग डे बाय डे, करेंट चिंता है कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्या चीज़ ऐसा बढ़ रहा है जिसके बारे में बोला गया है, ए तो बिल्कुल नहीं हो, सी से ही होगा। पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी कॉमन येट सीरियस इशू इन टूडेज वर्ल्ड, आज के डेट में ना पॉल्यूशन बहुत सीरियस इशू हो गया है। और देखो मेरे को क्या है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन कॉज करने वाले बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, गंदगी फैलाने, प्रदूषण करने वाले बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें से एक है, ओके, एंड वन ऑफ द मेन पॉल्यूटेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स एंड मैन मेड मशीन्स। इसका मतलब है कि ए के बाद ही डी आएगा, ये सब एग्री करोगे, ऐसे तो ऐसा बोलेंगे ना कि प्रदूषण करने वाले बहुत सारे रिसोर्सेज है, और बहुत सारे रिसोर्सेज में से ना एक रिसोर्सेज मेन पॉल्यूटेंट, वन ऑफ द मेन पॉल्यूटेंट्स एक ह्यूमंस है और मैनमेड मशीन है। ए के बाद ही डी आएगा और यहाँ डी के बाद ए, ये भी हट गया, दो ऑप्शन तो मेरा हट गया ना, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा। सी में बोला है पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी कॉमन, ओके, इट हैज़ बीन देयर इन डिफरेंट फॉर्म्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है आज के डेट में पॉल्यूशन कॉमन हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये पहला नहीं था, ये लंबे समय से पॉल्यूशन तो चला आ ही रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ये जो इट लगा है किसके लिए, पहले तो सी से होगा कन्फर्म है, और ये जो इट लगा है ये पॉल्यूशन के लिए लगा है, इसका मतलब है सी के बाद बी होगा। पहले तो बोला है पॉल्यूशन वेरी कॉमन हो गया आज के डेट में, टुडेज वर्ल्ड में पॉल्यूशन बहुत कॉमन हो गया, बट ये इट जो प्रोनाउन लगा है पॉल्यूशन के लिए, इट हैज़ बीन देयर, पहले भी ये पॉल्यूशन था, लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है आज के डेट में कॉमन हो गया, पहले भी ये चला आ रहा है। और फिर इन्होंने बोला है पहले से चला आ रहा है, फिर उन्होंने बोला है डी में, कहाँ चला गया, हाँ ये तो गलत है, ये वाला सही है, पहले से चला आ रहा है और इसके बहुत बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है जिसमें से एक ये है डी। नाउ कम टू फाइव, फिफ्थ वन, मच ऑफ दिस वॉर, अब मैं अपने ऑप्शंस को छाटूंगी, मेरे को दिख रहा है मच ऑफ दिस वॉर मेरे को दिख गया दिस फ्रंट, मेरे को दिख गया बोथ साइड्स मतलब किसी साइड्स का दोनों पहलू होगा ना, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए बिल्कुल नहीं होगा। दिस वॉर मतलब कौन सा वॉर, ये जो फ्रेंच और जर्मन्स के बीच में हुआ था, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा ए तो। और अ वॉर किसके, फ्रेंच और जर्मन्स के बाद, अ वॉर के बाद ही दिस वॉर आएगा, ठीक है। पहले तो वो वॉर के जिक्र करोगे ना किसके किसके बीच हुआ, फिर बोलोगे ये युद्ध यहाँ हुआ था, इसका मतलब है कि डी के बाद ही ए आएगा और सब जगह डी के बाद ए, यहाँ भी डी के बाद ए,
यहाँ भी डी के बाद ए ही है, तो हमें कुछ खास मिला नहीं। अब है दिस फ्रंट, दिस फ्रंट, दिस फ्रंट मतलब कौन सा फ्रंट? ये वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट की बात हो रही है, ठीक है? तो पहले वेस्टर्न फ्रंट बोलोगे ए और फिर बोलोगे दिस फ्रंट, तो ए के बाद सी आए, ठीक है? ए के बाद सी, यहाँ है सी के बाद ए, गलत, सी के बाद ए, गलत, ए के बाद सी। डी में बोला है दिस दिस एंड्रे हैड फॉट अ वॉर फ्रेंच और जर्मन विद द फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन्स, और फिर ए में बोला है कि मच ऑफ दिस वॉर वेस्टर्न फ्रंट में हुआ और दिस फ्रंट, और फिर लास्ट में, ठीक है? जल्दी जल्दी भी तो करना है। नेक्स्ट वाला लास्ट, एक दिन में 6 करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाए। आज तो नहीं, मैं हर दिन क्या करूँगी ना, मैं 6 करवा के जाऊँगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से, आज मैंने डिसाइड नहीं किया था, नेक्स्ट क्लास से मैं 6 करवा के जाऊँगी और एक आप लोगों को होमवर्क दूंगी, ओके? एक आपको होमवर्क दूंगी और आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना, ठीक है? चलो, द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विथ स्नो, ये जो माउंटेन था ना ये बर्फ से कवर्ड था। नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर, एल्प्स भी माउंटेन है, यूरोप में एल्प्स माउंटेन का नाम है। नेपोलियन रिप्लाइड दैट द वर्ल्ड दैट द वर्ड इम्पॉसिबल तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। ऑप्शन छाटी है फटाफट, सो समवन टोल्ड, सो से तो नहीं होगा, सो कभी भी पहला नहीं हो सकता है, डी हटाइए। और अब देखो द माउंटेन रेंज, द माउंटेन कौन वाला माउंटेन, ये माउंटेन, ये पहाड़ का नाम है, द एल्प्स, जैसे हमारा हिमालयाज है यूरोप में एल्प्स है, तो ये जो बोला गया है ना ये इसके लिए, इसका मतलब है पहले एल्प्स का नाम लोगे फिर माउंटेन रेंज, बी के बाद ही ए होगा, बी के बाद ए, बट यहाँ पे ए के बाद बी, ये हट गया। अब बी से ही शुरू होगा, बी में बोला है ना नेपोलियन को ना एल्प्स को क्रॉस करना था विंटर में, विंटर में क्रॉस करना था, और उसके बाद बताओगे ना इसको क्रॉस करना था, और पूरा जो पहाड़ था ना जो पर्वत श्रृंखला था बर्फ से भरा था, बर्फ से भरा हुआ था, सो किसी ने बर्फ से भरा हुआ था, इसलिए नेपोलियन को किसी ने बोला कि भाई ये तो बर्फ से भरा है इसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको पता है इसने बोला कि क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, तो इसी बात पे नेपोलियन ने जवाब दिया कि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द कुछ है ही नहीं, बी ए डी सी, ठीक है? बी ए डी सी। तो हमने 6 सेंटेंसेस को कवर किया, मैंने डिसाइड किया है ना कि हम एक दिन में 7 करेंगे, ओके? आज थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई है, और सेशंस कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, और जिन बच्चों को दिक्कत भी होगी ना जब ये सेशन जाएगा, मैम कैसे कैसे आपने जल्दी जल्दी कर लिया है, तो आराम से सेशन को एक बार देखो, दो बार देखो, बट आई अश्योर यू प्लस में भी मैं सेशंस ले, प्लस में भी बहुत सारा, प्लस पे तो मैंने अनअकैडमी प्लस पे आई थिंक 130-140 PQRS करवा दिया, और बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अब तो हम मेंस का भी बना लेते हैं, आप प्री का करवा रहे हो बट हमें कॉन्फिडेंस आ गया है, बट उनको भी टाइम लगा था पहले 40-50 में ना वो स्ट्रगल करते रहते थे, तो कुछ का इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाता है, कुछ का टाइम लगता है, बट होगा ज़रूर, एक बार आप टेक्निक सीख लोगे ना तो होगा ज़रूर। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया करूँगी होमवर्क के लिए, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में आंसर करें, ओके? तो सेशंस कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स वगैरह में बता दीजिएगा, तो थैंक यू।